Two communicating vessels contain mercury. The diameter of one vessel is n times larger than the diameter of the other. A column of water of height small h is poured into the left vessel. The mercury level rise in the right vessel. आपसे पूछा गया है कि राइट वेसल में कितना मर्करी का लेवल राइज हुआ। तो बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, सभी का बेनिफिट हो। आइए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा है कि पहले देखिए कोई नहीं था तो क्या होगा, दोनों में जो लेवल रहा होगा वो सेम रहा होगा। अब पानी डाल दिया मैंने, पानी डालने से इधर मर्करी कुछ डिस्प्लेस हुआ और ये अपने प्रीवियस लेवल से एच वन चला गया और यहां पर जो कॉलम में अपने प्रीवियस लेवल से H2 ऊपर उठ गया। अब कंसेप्ट क्या लगाएंगे, कंसेप्ट ये लगाएंगे एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इन द सेम लिक्विड द प्रेशर मस्ट रिमेन सेम। तो यानी कि मैं इस वाले लेवल पे देखूं, यहां पर क्या है आपका वाटर और मरकरी की इंटरफेस है, तो यहां पर आपका जो प्रेशर है वो यहां पर भी क्या है मरकरी है और यहां पर भी मरकरी है, तो यहां पर जो प्रेशर है वो होना चाहिए सेम। यहां पर अगर मैं प्रेशर देखूं तो देखो क्या होगा, एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर, दूसरा इस वाटर के कॉलम का प्रेशर, तो पी नॉट प्लस रो जी एच मैंने लिख लिया आपके अपने लेफ्ट हैंड साइड वाले में। अब राइट की अगर बात करूं तो देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए मरकरी का टोटल लेवल कितना है एच वन प्लस एच टू और ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर पी नॉट, तो ये हो गया पी नॉट प्लस रो एस, स्पेसिफिक दे रखी है हमें डेंसिटी, और हो जाएगा जी एच वन प्लस एच टू। अब देखो बेटा ऐसा है कि अगर यहां से एच वन नीचे गया और वहां से एच टू ऊपर उठा तो जितना वॉल्यूम यहां से नीचे गया उतना वॉल्यूम वहां पर ऊपर गया होगा। तो मैं देखिए यहां से एच वन नीचे गया और यहां से अपने प्रीवियस लेवल से एच टू उठा, तो मैं लिख सकता हूं इसमें क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर एच वन बराबर होना चाहिए, इसका डायमीटर क्या है n टाइम्स है तो रेडियस भी n टाइम्स होगी, तो n स्क्वायर r स्क्वायर एच टू के, तो आपको मिलेगा यहां से रिलेशन h1 वन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच टू। अब मुझे निकालना क्या है, कितना राइज हुआ है, तो h2 निकालना है, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा p नॉट से, तो p नॉट कैंसिल हो गया, रो जी एच बराबर हो गया रो s जी और एच वन को रिप्लेस कर दीजिए एन स्क्वायर एच टू प्लस एच टू, और यहां से देखिए रो से रो कैंसिल जी से जी कैंसिल, तो एच अपॉन एस और एन स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एच टू। अच्छी प्रॉब्लम है ये, तो ये आ गई आपकी हाइट की वैल्यू एंड दिस इज द राइट आंसर। इन द फिगर गिवन ब्लो फॉर एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री एट द टॉप सरफेस व्हाट इज द मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीडेड फॉर TIR एट द वर्टिकल फेस। तो मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों देखना है, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना है, मतलब मैं कह दूं कि वो क्रिटिकल एंगल वाली कंडीशन हो जाए, क्रिटिकल एंगल पे गिर रहा हो मैं कह दे रहा हूं तभी मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात कर लेता हूं। अब देखो ध्यान से, अगर देखो आप तो यहां से देख सकते हो कि C इज इक्वल टू होगा 90 माइनस आर, C इज इक्वल टू होगा 90 माइनस आर। अब क्या लिखेंगे देखिए, पहले फर्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए मैंने स्नेल लॉ लगाया, तो क्या लिखूंगा देखिए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू म्यू साइन आर, और यहां से साइन आर की वैल्यू हमको मिल जाती है 1 अपॉन रूट 2 म्यू, एक इक्वेशन होगी अपने पास। अब देखिए अगर मैं बात करूं क्रिटिकल एंगल की, तो साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी बराबर होता है आपका 1 अपॉन म्यू, हल्का अपॉन भारी से याद रखता हूं मैं, यानी कि रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये साइन सी हो गया। अब साइन सी, सी इज इक्वल टू साइन 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस आर लिख दिया एंड इट इज 1 अपॉन म्यू, सो वॉट इज दिस, कॉस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू, एंड अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 का स्क्वायर करके ऐड करूं तो क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 म्यू स्क्वायर प्लस 1 अपॉन म्यू स्क्वायर एंड दैट, तो ये हो गया बच्चों दैट इज 2 म्यू स्क्वायर और 3 ऊपर आ गया। अब देखिए ये हो गया 1, तो 3 बाई 2 म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस,
देन म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 एंड म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2. दिस इज द आंसर. अ वेटलेस रॉड ऑफ लेंथ एल कैरीज टू इक्वल मासेस एम, वन फिक्स्ड एट द एंड एंड अदर इज इन द मिडिल ऑफ द रॉड. द रॉड कैन रिवॉल्व इन अ वर्टिकल प्लेन अबाउट ए. Then horizontal velocity which must be imparted to end C of the rod to deflect it to the horizontal position is. देखिए rod दे रखी है, यानी कि आपका यहाँ पर relative, मतलब rod के किसी भी point का relative motion exist नहीं करेगा, ये rigid body की तरह treat करेगी. बाकी देखते हैं solution. तो देखिए question आपको ये दे रखा है. अब मैंने मान लिया कि C को मैंने velocity VC is equal to V दे दी, क्योंकि रॉड से कनेक्टेड है तो दोनों के दोनों ब्लॉक्स की आपके या मासेस की एंगुलर स्पीड सेम होगी. तो मैं बी की बात करता हूँ. तो देखो वी बी बाई एल बाई टू इज इक्वल टू वी सी अपॉन एल. यहाँ से लिख सकता हूँ वी बी इज इक्वल टू एल बाई टू वी सी बाई एल एंड दिस इज वी बाई टू. अब देखिए जब ये रॉड यहाँ पहुँच जाएगी, हॉरिजॉन्टल में पहुँच जाएगी, तो ये मास जो बी है और जो ये है यहाँ पहुंच जाएगा इस तरीके से. ठीक है, ये लेंथ आपकी एल हो गई और मिनिमम है, यानी कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी आपकी जीरो हो जानी चाहिए. ठीक, ये एल बाई टू और ये एल, यानी कि यहाँ इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जानी चाहिए. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है. तो मैं अगर सिस्टम की लिखूँ क्या, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या लिखूँगा, जीरो, क्योंकि चेंज इन एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो होगा. यानी कि आपकी डेल्टा के प्लस डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा. अब डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो इनिश के डेल्टा के की वैल्यू क्या होगी, दैट इज डेल्टा के इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल. के फाइनल जीरो हो चुका है, के इनिशियल कितना है पूरे सिस्टम का, देखिए 1/2 m को कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों का सेम है, वी बी स्क्वायर प्लस वी सी स्क्वायर. अगर मैं इसे और सॉल्व करूं तो डेल्टा के की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस का 1/2 m. वी बी की वैल्यू कितनी है, वी बाई टू का स्क्वायर, दैट इज वी स्क्वायर बाई फोर प्लस वी स्क्वायर एंड इट इज माइनस 1/2 m 5/4 वी स्क्वायर एंड दैट इज m बाई 8 माइनस 5 m/8 वी स्क्वायर. डेल्टा के की वैल्यू आ जाएगी. डेल्टा यू की बात करूं तो सिस्टम ने पोटेंशियल एनर्जी गेन करी है. कितनी गेन करी है, बी ब्लॉक ने देखो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ एल बाई टू और इसका एल, तो जो गेन है तो पॉजिटिव लिखेंगे. कितना गेन है, एम जी एल प्लस एम जी एल बाई टू दैट इज इक्वल टू 3/2 एम जी एल. ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू रख दीजिए. तो देखते हैं क्या होता है इस इक्वेशन में जब रखते हैं हम लोग. तो डेल्टा के इज माइनस का 5/8 एम वी स्क्वायर प्लस डेल्टा यू इज 3/2 एम जी एल इज इक्वल टू जीरो. मुझे निकालना है किस चीज़ की वैल्यू, वी की, तो एम से एम कैंसिल हो गया और वी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, यहाँ से मैं 2 हटा दूँ तो 4 दैट इज 12/5 जी एल. यस 12/5 जी एल एंड वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12/5 एंड जी एल. दिस इज द राइट आंसर. तो प्लीज़ शेयर करें इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है. और कोई भी डाउट होता है कमेंट करें.